प्रणाम, मैं हूँ पुनीत शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, ऑरा हीलर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर एंड केपी नाड़ी प्रैक्टिशनर। आप सभी को, देशवासियों को प्रेम और हर्षो उल्लास के रंगों से भरे होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। होली को ध्यान में रखते हुए वो उपाय जो आप कर सकते हैं और जिन उपायों से घर के अंदर आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी संभव हो वो आपको उपाय मैं आज देने जा रही हूँ। आप इन्हें नोट कर सकते हैं कि वास्तु सम्मत दिशा होलिका दहन के लिए जो मानी जाती है वो है आग्नेयकोण, यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा, दक्षिण पूर्व की दिशा। होलिका दहन जो है उसको अगर आपने होलिका को जलाना है तो दक्षिण पूर्व की दिशा में ही जलाएं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, ईशान कोण में होलिका दहन करते हैं तो इससे आपको मान सम्मान में कहीं ना कहीं जो ठेस है वो लगने की संभावना बन जाएगी। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में किया हुआ होलिका दहन जो है उसकी परिक्रमा करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और पद प्रतिष्ठा सम्मान के साथ साथ में नौकरी और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, परेशानियों से निजात मिलेगी और आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जो कि पूर्वमुखी है और तो आपके लिए एक और बहुत अच्छा उपाय है, ईस्ट फेसिंग जिन भी लोगों का घर है उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रंगोली बनानी है जो कि पीले रंग से बनी हो, येलो कलर से बनी हो। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दक्षिण मुखी जो घर हैं उन्हें गहरे लाल रंग से रंगोली बनानी है अपने मुख्य द्वार के ऊपर, और जितने भी वेस्ट फेसिंग घर हैं उन्हें वाइट और गोल्डन कलर जो है इन्हें यूज़ करना है रंगोली बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि आप होली के दिन अपने घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह को आमंत्रित करेंगे और घर के अंदर आप शुभता और प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि की कामना करते हुए जो भी उस दिन प्रेयर्स करेंगे वो आपको ज़रूर उनसे लाभ मिलेगा। होली के दिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है जिस दिन आप अपने घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को कट कर सकते हैं, उन्हें अपने घर से दूर कर सकते हैं। तो घर के अंदर लगे हुए जालों की सफाई करना बहुत ज़्यादा आपको शुभता देगा, अच्छे फल देगा। घर के अंदर लगे हुए जाले और जो ऐसे सामान पड़े हुए हैं जो बहुत दिनों से आपने उसकी डस्टिंग भी नहीं की है तो आप उन्हें ज़रूर साफ़ कर लीजिए और घर के अंदर गोमूत्र गंगा जल मिला के छिड़काव कीजिए। इससे आप अपने घर को बहुत ज़्यादा वेलकमिंग बना लेंगे और आपके घर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं उनसे आपको निजात जरूर मिलेगी। होली का एक पर्व जो है इसमें हमने जैसे अभी बात की पूर्वमुखी घर की, दक्षिणमुखी घर की और हमने की है बात पश्चिममुखी घर की। इन तीनों के बारे में आपको रंगोली का मैंने बताया। उत्तर की दिशा में अगर आपका घर का मुख्य द्वार है तो वहाँ पे आपको हल्के आसमानी और इस रंग वाइट कलर के फूलों के साथ रंगोली बनानी चाहिए। इसमें हरा रंग भी आप मिश्रित कर सकते हैं, हरे रंग के मिश्रित करने का इस दिशा के अंदर बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो करियर में मिलता है। और इस तरह से आपको मैंने डिफरेंट दिशाएं बता दी हैं जिनमें कि आप रंगोली और वेलकमिंग कलर्स वहाँ पे इस्तेमाल करके बनाएंगे तो आपका घर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। घर के अंदर आने पे मिठास जरूर बांटिए। इस दिन हर एक इंसान जो भी मीठा खाता है या नहीं खाता उनका मुंह मीठा जरूर करवाइए, क्योंकि मिठास जो है रिश्तों को बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ देती है और जितना ज़्यादा आप मुँह मीठा करवाएँगे उतना ज़्यादा आपके घर के अंदर रिश्तों में मिठास आप महसूस करेंगे। और गिले शिकवे भुला के आप इस बार जो होली मनाएं उसमें आप केमिकल युक्त होली से बचने की कोशिश करें। चंदन का टीका और फूलों की होली, ये दो चीज़ें आपको आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं सजेस्ट करूंगी कि इस तरह से आप अपनी होली को मनाएं। होली के दिन बेहतर होता है अगर हम हल्के रंग के कपड़े या वस्त्र पहने, क्योंकि वो हमें चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे अंदर एक शांति और एक सुखद भावनाओं को भी लेके आता है और हम रंगों के इस्तेमाल को एंजॉय भी करते हैं। तो खुशियों से भरा हो आप सबके जीवन में ये त्यौहार। इसी कामना के साथ आप लोगों के लिए हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे, नमस्कार।